जे कदी दाल सब्जी रोटी बनान दा जी ना करदा होवे ता इस तरह दे वधिया जे टमैटो राइस बना लवो। ए इन्ने मसालेदार और स्वादी होंदे ने ना कि इन्हां नूं दाल सब्जी तो बिना ही खा जाओगे। पंजाबी वेज मसाला विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ जी रेसिपी स्टार्ट करते हाँ। यह वधिया जी टमैटो राइस बनाने वास्ते ना मैं इत्थे लए ने एक वड्डा ग्लास बासमती राइस जो कि वजन विच 350 ग्राम ने। इन्हां नूं मैं 3-4 बार पानी बदल बदल के चंगी तरह नाल धो के ते फिर अद्धा घंटा पहला भिओ के रखिया होया है। तो हुण आपां इन्हां नूं पकावांगे। तो इन्हां नूं पकाउण वास्ते ना मैं गैस ते कुकर चढ़ाया है ते कुकर च 4 to 5 वड्डे चम्मच ऑयल पा के गर्म कर लवांगे। तो जदों ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो फिर इहदे च पावांगे 1 छोटा चम्मच सरों के दाने। जदों सरों चंगी तरह तड़क जावे ना तो फिर ये पावांगे 1 वड्डा चम्मच छोलियां की दाल और 1 वड्डा चम्मच ही धोते मां चिट्टी वाली दाल होंदी है जिहड़ी। तो जदों ये दालां हल्कियां जे ब्राउन हो जाणगियां ना तद इहदे च पावांगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 टुकड़ा दालचीनी दा, 2 हरियां इलायचियां, 2 तेज पत्ते, 2-3 लौंग और 2 चक्करफुल। इन्हां सारियां नूं इकट्ठा ही ऑयल च पा देवांगे दालां दे नाल ही। फिर जदों ये सारे मसाले चंगी तरह तड़क जाणगे ना उदों आपां इहदे विच पावांगे 1 वड्डा चम्मच भर के बरीक कटिया होया लसन और अदरक। तुसीं चाहो तां इत्थे अदरक और लसन दे पेस्ट दी वरतों भी कर सकदे हो। अदरक लसन भी ना जरा जहा भुन लेना है। तो इन्ना को भुनना है कि चौलों से इन्हों का कच्चा जहा स्वाद ना आए। तो फिर इन्हों भुन के ना इन्हों 2 to 3 साबत लाल मिर्चा और थोड़े जे कड़ी पत्ते भी पा देवे। मैं कड़ी पत्ते सुका के रख्या होया है, तुहाडे कोल ताजे कड़ी पत्ते हो तो बहुत ही वधिया है। और नाल ही पावांगे लंबे पतले कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याजा ना आप हल्का जहा ब्राउन होने तक ही भुनना है, ज़्यादा डार्क प्याज नहीं करने इत्थे। तो जदों भुजते भुजते प्याज लाइट ब्राउन कलर च आ जाएंगे ना उदों इहदे विच पावांगे टुकड़ियां च कट्टे हुए 6 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमैटो राइस बना रहे हैं ना तो फ्रेंड्स इहदे विच टमाटर तो अच्छी क्वांटिटी विच पैणगे ही। तो नाल ही मैं इहदे विच 1.5 छोटा चम्मच लूण भी पा दिता है। टमाटरां दे नाल ही लूण पाउण नाल ना टमाटर थोड़ी जी छेती पक जांदे ने। और हाँ मैं ना इत्थे देसी टमाटरां दी वरतों कीती है जो गोल गोल हुंदे ने ना थोड़े जे खट्टे जे हुंदे ने जिहड़े ओह वाले। वैसे तो आप कोई भी टमाटरां दी वरतों कर सकते हाँ पर देसी टमाटरां दे नाल ना इन्हां दा जायका बहुत ही वधिया आएगा। तो इत्थे वेखो जी इन्हां नूं पकांदे होए हजे 1.5 मिंट ही होया है तो टमाटर जिहड़े ना इह सॉफ्ट हो गए ने। तो हुण की करांगे आपां गैस दी फ्लेम नूं सिम करके इहदे विच पावांगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.25 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये नाल ना रंग बहुत वधिया आएगा। तो 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर और नाल ही ना ये सांभर मसाला जरूर पायो जी। तो मैं ये 1 छोटा चम्मच सांभर मसाला पा दिता है। तो नाल ही 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला भी पाना है। तो एकदम मसालेदार बहुत ही वधिया टमैटो राइस बनने वाले ने। तो जदों एक बार तुसीं इन्हां नूं खाओगे ना तो खाते ही जाओगे। मेरा मतलब है कि चौल तुहानूं बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ही स्वादी लगनगे। और इत्थे ना मैं मसालियां नूं कुछ कु सैकेंड्स भुन लिया है। तो भुनन तो बाद ना मैं इहदे विच पाउण जा रही हाँ 2 to 3 लंबियां कटियां हुई हरियां मिर्चा और नाल ही वड्डे वड्डे टुकड़ियां च कटिया होया 1 टमाटर। टमाटर दा ना विच वाला जिहड़ा बीआं वाला पोर्शन हुंदा है ना मैं कट दिता है। तो मैं इत्थे तुहानूं विखानी हाँ कि इत्थे कट के जो मैं टमाटर लिया है ना वह ए वाला है सलाद वाला हुंदा है ना जिहड़ा ओह। जेकर तो आसानी नाल मिल जाए या तुहाडे कोल होवे तो वरत लवो, नहीं तो दूसरा भी लै सकदे हो। हुण इस टमाटर नूं ना आपां पकाना नहीं है, बस बाकी मसालियां दे नाल मिक्स कर देना है। तो नाल ही इहदे विच वड्डियां वड्डियां कट्टियां होईयां पुदीने दीआं पत्तियां पावांगे ते थोड़ा जिहा कट्टिया होया हरा धनिया भी। इन्हां सारियां चीज़ां नूं चंगी तरह नाल मिक्स करके ते फिर इहदे विच पएगा पानी। कुकर च चौल बना रहे हैं ना तो 1 गिलास चौलों वास्ते 1.5 गिलास पानी पावांगे। तो जिहड़े गिलास कप या भांडे नाल आपां चौल नापने ने ना उस नाल ही पानी भी नाप के पाउणा है। तो इत्थे हुण पानी नूं पहलां चंगी तरह गर्म होण देना है। तो थोड़ी कु देर बाद हुण तुसीं वेख रहे हो ना कि पानी गर्म हो चुकिया है, पानी विच उबाला आन लग पिया है। तो हुण आपां इहदे विच पावांगे इह भिज्जे होए चौल। जिहड़े पानी च मैं चौल भिओए सी ना उह पानी कढ के वखरा कर दिता है ते चौल इहदे विच पा दित्ते ने। तो नाल ही इहदे विच पएगा 1 वड्डा चम्मच भर के देसी घिओ दा। तो घिओ नूं ना तुसीं तड़का ला लेंगे ऑयल दे नाल मिक्स करके भी पा सकते हो, पर मैं घिओ इत्थे लास्ट विच पा रही हाँ। घिओ दे नाल स्वाद भी वधिया आएगा और टमैटो राइस ते चमक भी आएगी। और फिर कुकर दा ढक्कन लगा के विसल भी लगा देवांगे और कुकर च 1 विसल आन तक चौलां नूं पकावांगे। फुल फ्लेम ते ही इन्हां नूं पकाना है आपां। तो थोड़ी देर बाद जदों 1 विसल हो जाएगी ना तो गैस दी फ्लेम नूं कर देवांगे ऑफ। पर कुकर नूं हजे नहीं खोलना है, इस तरह ही पिया रहन देना है जद तक कि कुकर चों अपने आप स्टीम खत्म नहीं हो जाती।
और फिर थोड़ी देर इस तरह पिया रहने तों बाद हुण वेखो जी कुकर चो स्टीम निकल चुकी है ते हुण ढक्कन खोल के आपां चौल चैक कर लैने आ। वाह जी वाह, वेखो जी साडे टमैटो राइस बहुत ही वधिया बने ने। इन्हां दी रंगत वेखो जी बहुत ही वधिया लग रही है ना। ते हुण इन्हां नूं हल्के जिहे हथ नाल मिक्स कर लवांगे। कुकर च टमैटो राइस बनाए ने ना ते सारा मसाला उपर उपर आ गया है ना, ते मिक्स करांगे ते सारे चौल और मसाले मिक्स होके एक सार हो जाएंगे। ते ए लो जी साडे बहुत ही वधिया शानदार मसालेदार टमैटो राइस बन के तैयार ने, लग रहे ना बहुत ही वधिया। तुसी टमैटो राइस नूं गरम गरम ही सर्व करो। ए इन्ने मसालेदार और चटपटे बने ने ना कि इन्हां नूं भावें तुसी इदां रुखे ही खा लवो, तुहानूं बहुत ही सुआदी लगनगे। वैसे तुसी टमैटो राइस नूं दही नाल, रायते नाल या फिर चटनी या सॉस नाल खाओ जी, तुहानूं बहुत ही पसंद आणगे। ते फ्रेंड्स तुसी टमैटो राइस नूं जरूर ट्राई करियो जी, और मैनूं कमेंट करके भी जरूर दस्सियो कि तुहानूं इह रैसिपी किवें दी लगी। ते छेती ही मिलदे हां इक होर नवीं रैसिपी दे नाल। सत श्री अकाल जी।